चैत्र नवरात्र के इस पावन पर्व पर हर साल की तरह इस साल भी दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर चरोदा में भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर नवरात्र की शुरुआत की गई। वहीं इस वर्ष 401 ज्योति कलश की स्थापना की गई है। आज हिंदू नववर्ष की प्रथम दिन और माँ भगवती की भी पूजा की नवरात्र के नाम से पहला दिन, इस तरह से आज हम हिंदू नववर्ष में पग रखे हैं। और पग रखने के बाद ये हमारी बड़ी सौभाग्य है कि आज के ही दिन से माँ दुर्गा की 9 दिन की पूजा जो है प्रारंभ होती है। आज प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री हनुमान मंदिर चरोदा में लोगों की, भक्तों की मनोकामना ज्योति प्रज्वलित उनके द्वारा की गई है। बड़े श्रद्धा, बड़े भक्ति भाव के साथ जिस तरह से आज उन लोगों ने यहाँ पर आकर के प्रेम के साथ माँ ज्योति दुर्गा की ज्योति कलश स्थापना में रहीं और हनुमान जी की कृपा से सब के सब उपस्थित रहें। आज हमने जो देखा, अच्छी लोगों की श्रद्धा जो है बनी हुई है। और मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह से इन माताओं का, भक्तजनों का, भाइयों का, वृद्धों का, बहनों का जो अटूट प्रेम लगी हुई है वो देखने को यही मिलती है, क्योंकि सब में अपना पन भरा हुआ है। इसलिए मैं उन सब के लिए मंगल कामना करता हूँ हनुमान जी महाराज से, माँ भगवती से, कि हे माँ हनुमान जी महाराज, इन सब का परिवार के साथ सबका कल्याण करें, सबकी रक्षा करें, सबको खुशहाल रखें। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।